वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम लोग WCS पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। पिछले जो हम लोगों ने क्लास में परसेंटेज WCS में पढ़ा था, परसेंटेज प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, जितने मेथड थे सारे मेथड हमने आप लोगों को समझाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर उसको अच्छी तरीके से हमारे वीडियो देखेंगे तो परसेंटेज में आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि आप परसेंटेज में हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको भी सबसे गलती लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मैथ टिपिकल है। क्यों टिपिकल है? क्योंकि वो उसका बेसिक नहीं जानते, वो सीधे न्यूमेरिकल लगाना क्वेश्चन लगाना चालू कर देते हैं। जबकि कोई भी अगर मैथ का चैप्टर है अगर आप उसको बेसिक से लेकर चलेंगे, थोड़ा थ्योरिकल पोर्शन आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि आपको कैसे मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, पहले सबसे पहले देखते हैं अनुपात या रेशियो होता क्या है। देखिए दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के आपसी संबंध को अनुपात या रेशियो कहा जाता है। अनुपात में होता क्या है? देखिए अनुपात का इसलिए निकाला जाता है कि अनुपात से हमें यह पता लगता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितनी बड़ी है या छोटी है, इसका हमें पता लगता है। और हमें यह भी देखना, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है कि माना एक किताब में 500 पृष्ठ है, ठीक, और बी किताब में 200 पृष्ठ है, तो इसका रेशियो या कंपेयरिंग करें, तुलना करें तो क्या आया कि ए अनुपात बी बराबर 500:200, अर्थात 5:2। ये रेशियो एक निकला हमारा। देखिए और एक चीज और समझने वाली बात है कि अनुपात की राशियों को एक ही संख्या से गुणा करने पर या भाग देने पर अनुपात का जो अनुपात होता है या रेशियो होता है उसमें कोई अंतर नहीं आता। जबकि अगर उसको जोड़ा जाए या उसी अनुपात राशियों में से घटाया जाए तो अनुपात में अंतर आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि 12 ए अनुपात बी बराबर 12:16, ठीक है ना। अगर हम इस पे 4 का डिवीजन कर देते हैं, 4 का भाग देते हैं अनुपात राशियों में, अनुपात राशियों में 4 का भाग देने पर, देखिए इसमें अनुपात राशियों में अगर हम 4 का डिवीजन कर देते हैं तो क्या आ गया, ए अनुपात बी बराबर 12:16, 4 का डिवीजन कर दिया तो आ गया 4 × 3 = 12, 3 और 4 × 4 = 16, 3:4 आ गया, ठीक है ना, भाग देने पे। अगर मान लीजिए हम एक ही संख्या का दोनों अनुपाती राशियों में गुणा कर देते हैं, जैसे ए अनुपात 12 अनुपात 16, अगर अभी इसमें 5 का मान लीजिए गुणा कर देते हैं दोनों राशियों में, इसमें 5 का गुणा करने पर तो देखते हैं क्या जाता है। इसमें अगर मान लीजिए 5 का गुणा कर देते हैं तो क्या आ गया, 12:5 = 60, ए अनुपात बी, तो 5 का गुणा किया 12:5 = 60 और 16:5 = 80, तो क्या आया, ए अनुपात बी बराबर 60:80 आ गया, ठीक है ना। इसको फिर हमने और सरल कर लिया, क्या आ गया, 3:4 आ गया, ठीक है ना। 20 का डिवीजन कर दिया दोनों में एक ही रात से, तो 20 इसको हल किया तो 20 + 63 बीचों का सीमा ने 3:4 आ गया और 3:4 ये भी है, ठीक है ना। देखिए भाग दो या गुणा दो अनुपात में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन जोड़ने और घटाने में अनुपात में अंतर आ जाता है। जैसे अब हम लोग प्लस करते हैं, माना ए अनुपात बी है और ये है 12:60, इसमें अगर हम मान लीजिए दो जोड़ देते हैं, अनुपाती राशियों में दो जोड़ देते हैं,
अनुपाती राशियों में टू प्लस करने पे, है ना, ऐड करने पे दो जोड़ दिया, अब क्या आ गया, ए अनुपात बी बराबर 12, मान लीजिए ये 12 प्लस 2 ये है 16 प्लस 2 तो कितना आ गया 12 14 आ गया और ये आ गया 18, ठीक है ना, और इसको हल किया तो क्या आ गया 7 और ये आ गया 9, माने ए अनुपात बी बराबर आ गया 7:9। देखिए ये चेंज हो गया, अभी तक हम लोग गुणा भाग कर रहे थे तो भाग भी किया तो 3:4 रहा, गुणा भी किया तो 3:4, लेकिन जोड़ने पे अनुपात हमारा बदल गया, ये 3:4 की जगह आ गया 7:9 आ गया, ठीक है ना। और जैसे एक ये और है, एक मिनट, अब इसमें घटा देते हैं, मान लीजिए 2:1 इसमें 2 से माइनस कर देते हैं तो देखते हैं क्या आता है, ए अनुपात बी में 2 घटाने पर कितना आता है, ए अनुपात बी बराबर ए कितना है 12, 12 माइनस 2 कर दिया ये 16 है, 16 माइनस 2 किया, ठीक है ना, 12 में से 2 घटाया 16 में 2 घटाया तो ये कितना आ गया 12 माने 10 आ गया, ठीक, ये आ गया 14, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया 2 × 5 = 10, है ना 5 अनुपात ये आ गया 7। ये देखिए इसमें अंतर आया, हमारा उसमें कितना आया था, वो हमने जोड़ा था तो आया था कितना 7:9 आया था, है ना, ये 5:7 आ गया, ए अनुपात भी बराबर 5:7, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग करते हैं, ठीक। अब अनुपात के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब 2 अनुपात एक दूसरे के समान हो या 1 अनुपात के परिवर्तन करने पर दूसरे मान में भी परिवर्तन हो जाता है तो परंतु संबंध या रिलेशन वही बना रहे तो ऐसे संबंध को समानुपात या प्रोपोर्शन कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है ये देखिए, ये इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब समानुपात कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, समानुपात 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल अनुपात या अनुक्रमानुपात अर्थात डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा होता है विलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपात अर्थात इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब समझते हैं सबसे पहले सरल अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात या अनुक्रमानुपात इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये क्या होता है। तो सरल अनुपात क्या होता है, जब 2 राशियों में एक के मान में कमी होने पर दूसरे राशि के मान में भी कमी आ जाती है, ठीक है ना, एक राशि के मान में कमी करने पर दूसरे राशि के मान में भी कमी हो और तथा एक राशि के मान को बढ़ाने पर दूसरे राशि के मान में भी वृद्धि हो जाए तो ऐसे अनुपात को सरल अनुपात, अनुक्रमानुपात या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे समझते हैं कि माना 4 मजदूरों की मजदूरी जो है वो 300 रुपीज है और अगर 6 मजदूर हमने लगा दिया और मजदूरी उसकी हो गई 450 रुपए हो गई तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखिए मजदूरों की संख्या भी बढ़ी क्योंकि पहले हमने 4 मजदूर लगाए थे फिर 6 मजदूर, मजदूरों की संख्या भी बढ़ गई और उसके साथ साथ कुल मूल्य में भी वृद्धि हो गई, 300 की जगह 450 हो गए। तो ऐसे अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, समानुपात या प्रोपोर्शन कहते हैं।
सरल अनुपात हम लोगों ने पढ़ा था। सरल अनुपात में क्या था, जब दो राशियों में से एक राशि के मान बढ़ने पर दूसरे राशि का मान भी बढ़ जाता है, और एक राशि के मान में कमी आने पर दूसरे राशि के मान में कमी आ जाती है, तो उसको हम लोगों ने पढ़ा था सरल अनुपात या क्रमानुपात, है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे विलोम अनुपात क्या होता है, इसमें क्या है उसका जस्ट उल्टा होता है, विलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपात, इंग्लिश में इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये क्या होता है, जब दो राशियों में एक राशि के बढ़ने पर दूसरे के मान में कमी आ जाती है, तथा पहली राशि के कमी होने पर दूसरे राशि में वृद्धि हो जाती है, अर्थात अपोजिट विलोम हो जाता है, तो ऐसे ऐसे अनुपात को विलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देखिए, मान लीजिए 6 टनर है, एक काम को वो 200 घंटे में करते हैं और 2 टनर उसी काम को अधिक दिन में करेंगे। देखिए यहाँ क्या हुआ, टनर जो है या व्यक्ति जो है, ये 6 व्यक्ति थे और ये व्यक्ति हो गए 2, माने कम हो गए, ठीक है ना। और लेकिन ये क्या है, यहाँ समय क्या था 200 घंटे, लेकिन समय क्या हो गया 600 घंटे, माने यहाँ व्यक्ति ज्यादा घंटे कम, यहाँ क्या हुआ व्यक्ति कम और घंटे ज्यादा। एक वही चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि एक राशि के मान में कमी आने पर दूसरे राशि में वृद्धि हो जाती है, दूसरे राशि में वृद्धि होने पर उसके अपोजिट राशि में कमी आ जाती है, तो वो क्या हो गया विलोम अनुपात या व्युत्क्रमानुपात कहलाता है। अब इसके कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। जैसे अब न्यूमेरिकल लगाते हैं, अब ये पहला क्वेश्चन ये करते हैं, ये क्वेश्चन दिया है 12:9 समान पात्र 24:x, तो x का मान बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं, बस मेथड समझते चलिए, है ना। कभी कोई नहीं, WCS या मैथ जो है सबसे इजी सब्जेक्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते जो आदमी बेस लेके चलता है वो हमेशा कॉन्फिडेंस में रहेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे ये पहला क्वेश्चन लगाते हैं, यहीं से समझते चलिए, जिससे धीरे धीरे स्टेप थोड़ा टिपिकल होते रहे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब ये 12:9 समान पात 24:x, तो x का मान, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 12:9 माने 12/9, ठीक है ना। दूसरा समान पात 24:x माने बराबर 24/x, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको त्रिया गुणा कर लिया, इसको कैसे किया, तो आ गया क्या 12x, 12x आ गया, ये था, हाँ ठीक है ना। तो 12x बराबर 12x बराबर 216 आ गया, तो x बराबर 216/12, आ गया, है ना। 12 का डिवीजन करेंगे 16 में 18 है, तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 18 आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। एक और एक छोटा सा सवाल, पहले छोटे छोटे सवाल करते हैं, यहीं से समझते चलते हैं, जिसमें आगे करने में कोई दिक्कत ना हो, जब टिपिकल हो। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 36/6 अनुपात 12/x, तो x का मान बताइए, तो x का मान बताइए। ठीक है ना, ये एक छोटा सवाल है, 36/6 अनुपात 12/x, तो x का मान, तो इस तरीके क्या करते हैं, इसको ये त्रिया गुणा कर देते हैं, 36 × x और ये 12 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, त्रिया गुणा कर देते हैं, तो क्या आ गया 36x बराबर और 12 × 6 = 72, है ना। तो x बराबर 72/36, ठीक है ना, इसको क्या किया, तो क्या हुआ 36/72, तो x बराबर 72/36, 36 2 = 72,
माने आ गया एक्स बराबर टू। वो पूछ रहा था एक्स का मान, तो एक्स का मान कितना आ गया, टू आ गया, एक्स बराबर टू आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल हुए। अब इसके बाद दूसरे नेक्स्ट और लगाते हैं न्यूमेरिकल। चलिए अब एक क्वेश्चन ये करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी बराबर 6:7, बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या करते हैं, जब देखिए इसमें क्या देखते हैं, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, और ए बी सी का पूछ रहा है। इसमें क्या चीज समान है, बी जो है ये कॉमन है, ये दोनों में है। ठीक है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लिख लेंगे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी बराबर ये है 6:7, ये है 4:5। ठीक है ना, तो ये संख्या है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये दोनों जो बी बी हैं, इनको हम लोग कॉमन है, इनको हम लोग ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि दोनों की संख्या सेम आ जाए। ठीक है, जैसे अब क्या करते हैं, इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस संख्या में अनुपात में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया 4 6 24 और 4 7 35 28 ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर आ गया 24। इसको किया 4×6=24, 4×7=28, 24:28 आ गया। और बी अनुपात सी क्या है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7×4 से किया 7×28, 28 अनुपात 7 का, फिर 5 से किया 7×5=35, 35। अब क्या हो गया, अब देखिए क्या हुआ, ये 28 और 28 कॉमन हो गया, बी का कॉमन हो गया, तो अब क्या आंसर आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 24:28:35 आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या करते हैं, दो संख्या अगर हमारी कॉमन है तो इनको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं कि संख्या दोनों की सेम आ जाए। जैसे हमने किया ए अनुपात, क्वेश्चन था ए अनुपात बी बराबर 6:7, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो कह रहा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए क्या हुआ। ठीक है, तो हमने संख्या लिखी ए अनुपात बी बराबर 6:7, बी अनुपात सी बराबर 4:5। ठीक है ना, अब हम लोगों ने क्या किया, b कॉमन है तो इसको हमें बराबर लाना था संख्या के, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें दूसरी वाले में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, इसमें 4 का किया तो 4×24, a अनुपात b पहले लिखा तो 4×24, 4×7=28, a अनुपात b बराबर 24:28, फिर b अनुपात c में किया 7×, तो 7×28 और 7×35। अब क्या हुआ, ये बी बी वाला ए तो 24 हो गया, बी 28, ए बी बी 28 और सी 35, तो 28 28 कॉमन हो गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का आ गया 24, 28 और 35। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट सवाल इसके बाद लगा लेते हैं क्वेश्चन। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाते हैं। अब क्वेश्चन क्या, थोड़ा धीरे धीरे लार्ज में चल रहे हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 150 मिलीमीटर चूड़ीदार व्यास वाले स्पर गियर को 50 मिलीमीटर चूड़ीदार व्यास वाले गियर के साथ जोड़ा जाता है। यदि बड़े गियर के दांतों की संख्या 30 है तो कह रहा छोटे गियर के दांतों की संख्या बताइए। अब इसको हल कर लेते हैं कैसे, अब इसको लिखते हैं, ये हो गया गियर एक तरफ और दूसरी तरफ दांते। ठीक है ना, ये गियर और दांते। गियर कितना है 150 mm, बड़ा वाला कितना है 150 mm चूड़ीदार, गियर में 150 mm। ठीक है ना, और 150 mm
और इसके बड़े गियर, यदि बड़े गियर के दांतों की संख्या 30, माने दांतों की संख्या किसकी है 30, फिर क्या कहता है गियर को 50 मिलीमीटर चूड़ीदार व्यास वाले गियर के साथ जोड़ा जाता है, फिर गियर की संख्या, फिर दूसरा गियर कितने का 50 mm, ठीक है ना। तो कह रहा है तो यदि बड़े गियर के दांतों की संख्या 30 है तो छोटे गियर का निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम मान लेते हैं, माना छोटे गियर के दांतों की संख्या बराबर एक्स, इसको ऊपर लिख लेते हैं, माना छोटे गियर के दांतों की संख्या संख्या बराबर एक्स, ठीक है ना। तो ये एक्स यहां लिख दिया, क्लियर। अब ये देखना, शुरू से ही समझते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे तक, ठीक। अब ये क्या था, एक तरफ गियर, क्योंकि ये कह रहा था 150 mm चूड़ीदार व्यास वाले, इस पर गियर को 50 मिलीमीटर चूड़ीदार व्यास वाले गियर के साथ जोड़ा जाता है, माने दो गियर थे, एक 150 mm का, एक 50 mm का। यदि बड़े गियर के दांतों की संख्या, माने दूसरे क्या दांत है, दांतों की संख्या, तो बड़े गियर की दांतों की संख्या दी है 30, 150 mm वाले की 30 दी है, तो कह रहा छोटे गियर माने 50 mm गियर वाले दांतों की संख्या बतानी है। तो हमने मान लिया, माना छोटे गियर के दांतों की संख्या बराबर एक्स। तो एक चीज देखना, इसमें एरो कैसे लगते हैं। देखिए जो ये एक्स वाला ये है, इसमें हमेशा जो एरो है वो नीचे का ही लगता है, जिसमें हमने एक्स माना है इसका एरो हमेशा नीचे लगेगा। तो ये तो नीचे आप तुरंत लगा दो, ठीक। अब इसका एरो यहां पे कैसे लगता है, ये समझने वाली बात होती है। तो ये समझो कैसे, अब ये कह रहा है 150 mm के गियर था, उसमें दांतों की संख्या 30 थी, ठीक। 150 mm का खूब बड़ा सा होगा, तो उस समय दांतों की संख्या जब 30 थी, तो कह रहा है 50 mm माने छोटे गियर में दांतों की संख्या तो उससे कम होगी, है ना। जब एक बड़ा सा गियर है उसमें दांतों की संख्या 30 है, तो छोटे गियर में उससे कम होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये सरल अनुपात या अनुक्रमानुपाती हो गया। एक बार फिर से क्लियर कर दो, जैसे हमने फिर से बताया 150 mm दांते वाले, 150 mm का गियर है उसमें दांतों की संख्या है 30, अगर 50 mm का गियर है तो उसके दांत संख्या और कम होगी। तो ये क्या हो गया, सरल अनुपात या अनुक्रमानुपात, माने डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। उसमें क्या है 150 mm वाले में 30 दांते हैं, तो 50 वाले में और कम, माने क्या हुआ, ये इधर भी कम हुआ तो इधर भी कम होगा, और कम होने पे दोनों जगह अगर कम है तो क्या एरो हमेशा नीचे लगता है। अगर दोनों में वृद्धि हो रही है तब भी एरो नीचे का लगेगा, यदि दोनों में कमी आ रही है, सरल अनुपात है, अगर दोनों में कमी आ रही तो भी सरल अनुपात, दोनों में वृद्धि आ रही तब भी सरल अनुपात, यदि एक में कमी एक में वृद्धि आ रही है तो विलोम अनुपात होगा, तो उसमें ऊपर लग जाएगा। फिर से क्लियर कर लो, 150 mm का गियर है तो 30 दांते हैं, तो अगर छोटा गियर कोई लगा दिया जाए तो उसके दांतों की संख्या कम होगी, माने 150 वाले में 30 दांते तो 50 वालों में संख्या कम होगी, कम होगी माने इधर से ये भी कम है और ये इधर से ये भी कम है, 30 की जगह वो 20 या 10 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इधर से भी कम इधर से भी कम, तो क्या हो गया एरो नीचे का लग गया। तो ये हो गया, अब हम लोग किधर नीचे होते हैं उसको, जो एरो नीचे लगे होते हैं वो संख्या ऊपर लिख लेते हैं, जैसे एक्स ये नीचे है तो एक्स अपॉन 30 हो गया, एक्स अपॉन 30 बराबर, इसमें क्या नीचे है ये नीचे है, तो 50 अपॉन 150 हो गया, 50 अपॉन 150, ठीक। अब ये त्रिया गुणा कर लेते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई 150 में किया तो कितना हो गया 150x हो गया बराबर, ये एरो ऐसे लगा, 50 × 30 कितना हो गया, ये आ गया 1500, है ना। तो 150x बराबर 1500, तो x बराबर 150, ठीक। अब इसको काट लो, 150 दाम 1500, 10 आ गया, तो x बराबर आ गया 10, एक्स बराबर ये 10 आ गया, और 10 क्या, ये एक्स क्या था, छोटे गियर के दांतों की संख्या, तो आंसर हो गया, तो छोटे गियर के कितने दांते होंगे, तो
छोटे गियर में 10 दांते होंगे। छोटे गियर में 10 दांते होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से एक बार समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 150 mm चूड़ीदार व्यास वाले स्पर गियर को 50 mm चूड़ीदार व्यास वाले गियर के साथ जोड़ा जाता है, यदि बड़े गियर के दांतों की संख्या 30 है तो छोटे गियर के दांतों की संख्या बताइए। तो माना कि छोटे गियर के दांतों की संख्या बराबर एक्स है, बस लिख लिया गियर और दांते, गियर में 150 तो दांतों की संख्या 30, तो 50 गियर के दांते हो तो मान लिया एक्स, एक्स वाला हमने बताया, जहां एक्स माना जाता हमेशा एरो जो है वो नीचे लगता है, तो वो नीचे लगा दिया। इस पे बस देखना होता है, तो हमने देखा कि 150 गियर है, 150 एमएम का गियर है, तो उसमें दांतों की संख्या 30 है, तो अगर उससे छोटा गियर है तो उसके दांतों की संख्या और कम होगी, तो और कम होगी, तो हम इधर से 150 से 50 माने ये भी कम, और ये 30 से ये भी कम होगी माने ये भी कम, तो दोनों तरफ कम माने सरल अनुपात हो गया, है ना, सरल अनुपात या अनुक्रमानुपाती हो गया। तो उसमें क्या किया, फिर हमने ये जो एरो वाले हैं ये ऊपर लिख दिए जाते हैं, तो x अपान 30 हो गया, ये एरो लगाया 50 अपान 150, तो 50 अपान 150, फिर त्रिया गुणा कर दिया दोनों में, तो आ गया x 150 माने 150x बराबर 50 × 30 माने 1500, ठीक है ना, तो x बराबर 1500 अपॉन 150 आ गया 10, अर्थात गियर में दांतों की संख्या 10 हो गई, ठीक है ना। अब एक और नेक्स्ट सवाल लगा लेते हैं, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि 6 टर्नर किसी काम को 200 घंटे में करते हैं, तो 2 टर्नर उसी काम को कितने समय में करेंगे, ठीक, इसको भी लगाते हैं, लिखते हैं एक तरफ टर्नर और दूसरी तरफ क्या है घंटे। टर्नर का मतलब जानते होंगे आप लोग टेक्निकल आदमी, और टर्नर माने जो टर्निंग करते हैं, अर्थात लेथ मशीन जो चलाते हैं वो टर्नर कहलाते हैं, मशीनिस्ट माने अन्य जो मशीनें जो चलाते हैं वो मशीनिस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है टर्नर और घंटे हमने लिख दिया, टर्नर की जगह 6 टर्नर, घंटे कितने 200 घंटे, फिर क्या कह रहा है 2 टर्नर उसी काम को कितने समय में करेंगे, माना x समय में करेंगे, माना x समय में करेंगे, ठीक है ना। तो x समय में करेंगे माने x, या x घंटे में करेंगे, x घंटे लिख देते हैं, अच्छा समय पूछ रहा है तो ठीक है समय में, ठीक है ना, समय पूछ रहा है तो इसलिए समय को ही दिखा रहा है, तो माना x समय में करेंगे। अब देखिए ये बन गया, अब फिर देखिए हमने बताया कि जिधर x होता है उसका हमेशा एरो के इधर लगता है नीचे साइड, ठीक है ना, और ये क्या है अब देखो करते हैं, ये कह रहा है 6 टर्नर उसी एक काम को 200 घंटे में करते हैं, ठीक है, तो 2 टर्नर अगर 6 आदमी किसी काम को कर रहे हैं वो 200 घंटे में कर पा रहे हैं, तो अगर हम आदमी कम कर देंगे, 2 ही आदमी लगाएंगे, तो क्या है वो ज्यादा घंटे में लगाएंगे, 1200-1400 घंटे में लगा देंगे, मतलब दो आदमी लगा दिए तो 6 टर्नर 200 घंटे में कर रहे हैं, तो 2 अगर टर्नर लगेंगे तो 400-500 घंटे में लगेंगे, समय पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये विलोम अनुपात हो गया, बिल्कुल क्लियर समझते चलो, और थ्योरी में भी आ सकता है कि विलोम अनुपात क्या होता है, सरल अनुपात क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके 2-2 नंबर के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी समझते चलो, बिल्कुल आराम से थ्योरी और न्यूमेरिकल पूरा क्लियर होता चले, ठीक। तो क्या हो गया, 6 टर्नर किसी काम को 200 घंटे में करते हैं, तो 2 टर्नर, तो 2 टर्नर माने टर्नरों की संख्या कम हो गई, तो समय हमारा ज्यादा लगेगा, तो क्या हुआ इधर बढ़ा और इधर घटा, तो माने ये क्या हो गया ऊपर का, ठीक, 6 टर्नर 200 घंटे में, तो 2 टर्नर ये देखो 6 से ये 2 आया माने ये कम हुआ, 6 से 2 माने ये कम हुआ, और ये 200 से ज्यादा घंटे लगेंगे माने इससे ये बढ़ा, तो ये इससे कम हुआ और ये इससे बढ़ा माने क्या हो गया विलोम अनुपात हो गया, विलोम अनुपात में ऊपर चिन्ह लगता है, एरो किधर लगेगा ऊपर की ओर लगेगा,
ठीक है ना। अब हमने बताया कि जहां एरो है वो संख्या ऊपर कर लेते हैं, एरो किधर लगा, ये इधर की ओर नीचे की ओर, तो x अपॉन 200 हो गया बराबर। अब की एरो किधर है, ये ऊपर है माने 6 है, तो 6 अपॉन 2 हो गया ठीक। अब ये त्रिज्या गुणा कर देते हैं, x इंटू 2 माने 2x बराबर, ये 2 इंटू 6 माने 1200 1200 जो छुनी 1200 ठीक है ना। तो 2x बराबर 1200, तो x बराबर 1200 अपॉन 2, तो आ गया ये कितना 600, माने ये क्या आ गया x बराबर 600। तो क्या x क्या है, समय है ना, x हमने माना x समय में करेंगे, x समय माने x है समय, माने 600 घंटे हो गए है ना, वो 200 घंटे में कर रहा है तो ये कितना 600 घंटे, तो क्या आया 600 घंटे में करेंगे, अतः 2 टर्नर उस काम को 600 घंटे में करेंगे। आंसर ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? देखो ये क्या था, विलोमानुपात था, एक बार फिर समझ लो कि 6 टर्नर 200 घंटे में काम करते हैं, तो 2 टर्नर ये 6 से 2 हो गए, और टर्नर कितने काम में, समय हमारा ज्यादा लगेगा, 6 आदमी जब 200 घंटे में कर रहे हैं तो 2 आदमी बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो क्या हुआ ये इधर से कम हुआ और ये समय जो है 200 से ज्यादा बढ़ा, माने क्या हो गया ये कम ये अधिक, माने विलोम हो गया, विलोम अनुपात हो गया, एरो ऊपर का लग गया। फिर हमने बताया एरो जिधर के होते हैं वो संख्या ऊपर लिखी जाती है, तो x अपॉन 200 इधर हो गया बराबर 6 अपॉन 2, त्रिज्या गुणा कर दिया दोनों में, 2x बराबर 1200, तो x बराबर 600, अर्थात 600 घंटे 2 टर्नर उसी काम को 600 घंटे में करेंगे ठीक है ना। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन, अब अगले अब जो नेक्स्ट हम क्लास लेंगे उसमें और ज्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे, लेकिन आप लोग यही बेसिक समझते हुए चलो, धीरे धीरे से आप चलते चलते जाना। शिवा द्विवेदी, सोनी और राकेश सिंह, आप लोग विशेष कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप पूरा वीडियो आराम से देखो, जिससे कंपटीशन में आपको बड़ी आराम मिलेगी ठीक है ना। और जो आप लोगों के डाउटफुल हो क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं ठीक है ना। ओके।